तमाशा तो अब होगा फरजाना बेगम। इंस्पेक्टर साहब, यही वो लड़की है जो मेरी पोती को जबरदस्ती मुझसे छीन कर ले आई है यहाँ पर, और जब मैंने रोकने की कोशिश की तो मुझे जान से मारने की धमकी दे दी इसने। ये आप क्या कर रही हैं? आप पुलिस को यहाँ पे क्यों लाई हैं? क्योंकि मारूख ने मेरी पोती को अगवा किया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, मैंने इसे अगवा नहीं किया, मैं आप सबके सामने से लेकर आई थी। मारूख, खुदा के लिए चुप कर जाओ ना कुछ देर। देखिए, ये बच्ची हमारी नवासी है और ये मारूख उसकी खाला है, ये इसे कैसे अगवा कर सकती है? हाँ, रिश्तेदारी तो बच्चों को अगवा करते हैं। और ससुराल वाले बहू को जान से मार देते। अगर आपने मुझे भी गिरफ्तार करना है तो इसके साथ साथ इन्हें भी गिरफ्तार करें, इन्होंने मेरी बहन को जान से मारा है। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। मारो, चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से पहली बार इस घर में पुलिस आई है। अरे कुछ तो होश करो। अरे देख रहे हो ना बेटा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अरे मेरी पोती को अगवा करके मुझ पर ही कत्ल का इल्जाम लगा रही है ये लड़की। देखे, आप लोगों का जो भी मामला है आपस में निपटा लें, या फिर थाने चले, वहाँ चलकर बात करते हैं। नहीं 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 नहीं, हमें हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ये घरेलू मामला है, प्लीज आप लोग यहाँ से जाएं, हम निपटा लेंगे। सर मत, तुम तो चुप करो। अरे सड़ने दो इसे, जेल में लगेगा इसे पता। मोहतरमा, घरेलू मसलों को आप घर में ही हल कर लिया करें, यूं मुंह उठाकर पुलिस स्टेशन मत आ जाया करें, वक्त बर्बाद कर दिया आपने हमारा। इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, हमें इस लड़की से बहुत खतरा है। अम्मी प्लीज बस कर दे, आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से, ये हमारा घरेलू मामला है, हम निपटा लेंगे। आई एम वेरी सॉरी, प्लीज जाएं। चलो, थैंक यू।